हम लोग आज कृष्ण साधक पुस्तक के अध्याय 10 की चर्चा करेंगे और उसका विषय है निराकार ब्रह्म। तो उससे पहले जप के बारे में चर्चा हो रही है, उपदेशामृत श्लोक क्रमांक 7। इस श्लोक को इसमें लिखा नहीं गया है संस्कृत में, श्लोक ऐसे है, स्यात् कृष्ण नाम चरिता दिशता प्यविद्या पीतोपतप्त रसनस्य नरोचिकानु किन्त्वादरादनु निदं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गद मूलहंत्री। कृष्ण का पवित्र नाम चरित्र लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या रूपी पीलिया रोग से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती, लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत हो उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। इससे पहले कि हम तात्पर्य में जाएं, कुछ बातों पे आपको मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जिसको लिखते हैं केयर एंड अटेंशन। केयर बहुत 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 सिंपल बात लगेगी आपको, लेकिन इसमें मिस्टेक करते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं, स्नाशना निश निश किश किश कर रहे हैं या कृष्णा बोल रहे हैं। आपको ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन इस सिंपल सी बात लोग नहीं ध्यान देते हैं, और ये आपको जप में कोई बताने के लिए नहीं आएगा, प्राय कोई नहीं आएगा, आपके बगल में बैठ जाए या फिर आपको बताए भाई आप निश निश नाम नाम कर रहे हो, निश निश नाम नाम, निश निश नाम नाम, निश निश नाम नाम, भगवान पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर भगवान कौन है, निश की नाम का नाम निश है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इज मिस्टर निश और मिस्टर नाम, समझ रहे हैं मेरे बात, ना तो निश ना तो नाम। बहुत लोग निश निश नाम नाम करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, एक तो यहाँ गलती होती है, दूसरा जब हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं और सो रहे हैं तो क्या भगवान के नाम का आदर है, अपराध एक व्यक्ति के प्रति किया जाता है, हमें लगता है तो ध्वनि है, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा नींद मार लेता हूँ, और ऐसा करने से अब कितनी प्रगति होती है तो भगवान ही जाने, लेकिन ये अच्छा नहीं है। जैसे हमारे महाराज जी एक बार बता रहे थे, कह रहे थे कि कोई भक्त का भक्त के मनोवृत्ति के बारे में बता रहे थे, हरे कृष्ण बस बस पूरा मंत्र होने वाला है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, बस ऑलमोस्ट थोड़े मदद करो, हरे राम खत्म नहीं हुआ, राम राम हरे हरे हो गया, एक मंत्र करने में भी उसको मतलब महाराज थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे थे, कहने का मतलब है कि लोग दृढ़तापूर्वक जप नहीं करते हैं। तो अगर हम दृढ़तापूर्वक करें, आज मैं एक भक्त को देख रहा था और वो ध्यान पूर्वक करने का कोई प्रयास ही नहीं कर रहे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक दिखाता है क्या कहते हैं उसको, इनडिफरेंस, उदासीनता। उस उदासीनता को हमें ओवरकम करना है, उत्साह के संग नाम जप करना है, भले रुचि हो या नहीं उससे मतलब नहीं है। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं द टेस्ट ऑफ द मेडिसिन द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन डजंट डिपेंड ऑन द टेस्ट, डज इट, समझ रहे हैं, जो दवा का प्रभाव है उसके स्वाद पर निर्भर नहीं करता है। आज हमारी एक भक्त से बात हो रही थी, तो उनको भी खुजली का प्रॉब्लम हो चुका है पहले, और मुझे भी थोड़ा खुजली का प्रॉब्लम था, तो उन्हें जो दवा बताई वो ठीक हो गए। तो बोल रहे थे कि प्रभु जी वो भक्त जो डॉक्टर थे उनको 40 साल का अनुभव था। हमने कहा सही बात है, खुजली की बीमारी जो है बड़ी देर में जाती है, अच्छा अनुभवी डॉक्टर होना चाहिए, और इसलिए वही मेडिसिन बताई जो बिल्कुल सटीक काम करती है, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो मैंने कहा हम लोगों को भी खुजली की बीमारी है कि नहीं समझ गए कि नहीं, कौन सी खुजली, काम रोग काम वासना जो है, जिसके पास भी शरीर है उसके पास एक काम वासना है, कोई इसमें छुपाने की बात नहीं है, छुपा नहीं सकते, अगर छुपा कैसे छुपाएंगे, शरीर है मतलब काम वासना है, तो काम वासना मतलब खुजली, ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं खुजली की तरह है, तो खुजली इतनी जल्दी जाएगी नहीं। या प्रभुपाद जी बोलते हैं चर्म रोग, जिसमें हम अपने आप को भारतीय या कुछ भी मान रहे हैं, तो ये चर्म रोग जो है इतनी आसानी से नहीं जाएगा, लेकिन डॉक्टर कौन है, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, एनएचए औषधि माया नसी बार लागे, और कोई नई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, गोलोक की मेडिसिन है, पुरानी मेडिसिन है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत लोग पा करके भगवान के धाम खा करके भगवान के धाम गए हैं, तो हमें कुछ विचार करने की जरूरत नहीं, लेकिन जीभ पे प्रॉपरली आना चाहिए,
Krishna, Hare, Ram, ऐसे करके बहुत सिंपल आपको बात लग रही होगी। और जैसे हम कई बार बताए हैं कि सीधे बैठ करके दोनों हाथ यहाँ पर रख करके जब करना चाहिए दृढ़ता के संग। शास्त्र में कोई उदाहरण है कि व्यक्ति जब कर रहा हो और सो रहा हो और उसे भगवत प्राप्ति हो गई हो? जप में सोने वालों को भगवत प्राप्ति नहीं होती। मैं आपको निरुत्साह नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन शास्त्र में ऐसे उदाहरण नहीं मिलते। तो जप में थोड़ी दृढ़ता होनी चाहिए, तभी हम लोग देखेंगे कि हमारे को सेवा करने का बहुत उत्साह आएगा। जो भी हमें सेवा मिलेगी, प्रचार का उत्साह आएगा। ये अद्भुत है, केवल सुनने का प्रयास करना और उसमें हम बात ना करें और हम सोए नहीं। अगर ये इतना भी ध्यान दें, इतना भी सावधानी पूर्वक नियमित रूप से जप करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, माला में हमारा हरे कृष्ण मतलब बीट छूटने नहीं चाहिए, पूरे 108 मंत्र होने चाहिए। इसको 108 से ज़्यादा हो कोई बात नहीं है, 108 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये सब दिखाता है। अच्छा, नियमित रूप से 16 माला करना चाहिए, यानी जो आपने नाम व्रत लिया है नाम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उस व्रत को पूरा करते रहना चाहिए और कमिटमेंट के साथ। हर भक्त को, स्पेशली जो मंदिर में रहते हैं, उनको तो ये नियम रखना चाहिए कि अगर मेरा माला नहीं हुआ है तो मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना है। जैसे आपको याद है हमने चर्चा किया था हरिदास ठाकुर का कि मेरा माला नहीं हुआ है तो मैं कैसे खाऊं? उसमें ये आपको छूट दी जा सकती है जब आप बहुत बीमार हैं, एक अलग बात है। लेकिन नियम नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद देखेंगे भजन की इच्छा नहीं रहती, सब नींद आती है उसके बाद। आपने महसूस किया इस चीज़ को? जैसे ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर आलस आने लगता है, तो इसलिए पहले ही कर लेना चाहिए। और सबसे अच्छा है ये नियम जो व्यक्ति बना लेता है वो भक्ति में बहुत दृढ़ रह पाता है। और जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत होता है। प्राकृतिक का अर्थ होता है जैसे रसगुल्ला खाने के बाद आपको कुछ अलग से सोचना नहीं कि मुझे रस आए, मुझे स्वाद मिले। इस प्रकार से जब लगातार जब करता रहता है व्यक्ति, भक्ति करता रहता है, तो अविद्या ही नष्ट हो जाती है हृदय से। और अविद्या नष्ट हो जाती है तो उसको नाम में रस अपने आप प्राप्त होने लगता है। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे रस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे आज सुबह आप रसमलाई खा रहे थे ना, तो सोच रहे थे कि मुझे रस मिलना चाहिए या अपने आप मिल रहा था? अपने आप मिल रहा था, ये है। तो जब तक ये स्थिति नहीं आ जाती है करते रहना है दृढ़ता के साथ, ठीक है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जिसको रस नहीं होगा उसका मन हटेगा, भागेगा वहां से। हरि बोल प्रभु, ये जस्ट माइक फायर, या बी केयरफुल इन वाइल यू ट्रैवलिंग। उस स्पीकर को थोड़ा किनारे कीजिए, नहीं तो बार बार भक्त उस पर लड़ेंगे। आप इधर आके बैठो, क्या नाम है आपका? संतोष कृष्ण प्रभु, एकदम रास्ते में बैठ गए आप, इधर आके बैठिए, इधर बैठिए यहाँ पे, आप दरवाजे के पास क्यों बैठे? हाँ जी, हर व्यक्ति माइक के तार के ऊपर नहीं कूदे। हम लोग क्या बात कर रहे थे? तो ये स्वाभाविक है कि मन का स्वभाव होगा कि आपके आपका जब नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो उठ कर कहीं और चला जाए। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपको कुछ छेड़ने के लिए नहीं बोला गया है। हरि बोल, आप बैठे रहिए, जो आपका सेवा दिया जाएगा वो कीजिए। तो देखो मेरा फ्लोट उठ जाता है, आप लोग बस बोलने दीजिए शांति से। मैं कह लिए बोल रहा था, परम मुझे दिवामृत स्वामी महाराज बोल रहे थे कि मन का स्वभाव है, जब रस नहीं मिलेगा तो कहीं और भागेगा। आप लोग बात बहुत सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन इसमें आपको डिटैच रहना है। जैसे आप देखिए कथा लगा दीजिए, कथा अगर रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसमें भी कुछ देर मन सुनेगा, फिर मन कुछ और सोचने लग जाएगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहिए, सुन इंद्रियों को लगाते रहिए, मन धीरे धीरे करके कुछ बातें कान में जैसे जाती रहेंगी, मन उनको पकड़ने लगेगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ये चीज़? बीइंग डिटैच्ड, जब हम जब कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, कभी मन लगता है कभी मन नहीं लगता, आपको निरासक्त रहना उससे, बस हमें खाली स्पष्ट बोलना है। आज मैं एक भक्त को समझा रहा था, जैसे मन हमारे संग सहयोग नहीं कर रहा है, हमें मन से भी सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप मुझसे सहयोग नहीं करेंगे तो मैं आपके संग सहयोग करूंगा? नहीं करते ना। तो उसी तरह से मन हमारा संग सहयोग कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो हम भी कोऑपरेट नहीं करेंगे। मन बोलेगा सो जाओ, मन बोलेगा बातें करो, नहीं नहीं हम बात नहीं करेंगे, हम सोएंगे नहीं, हम अपना बैठ हम जब करेंगे, बस खत्म। वेरी नाइस। तो फिर धीरे धीरे मन जो है वो ट्रेन अप हो जाता है कि नहीं ये समय जब करने का है। कम से कम ये ट्रेनिंग तो हो जानी चाहिए कि ये समय जब करने का है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो शांत भी होने लग जाएगा। अतः स्वभाव से ही सबको प्रिय लगने वाली मिश्रे के समान अत्यंत मधुर हैं, किंतु अज्ञान की तुलना पीलिया रोग से की गई है जो पित्र के स्राव से उत्पन्न होता है।
पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार से अविद्या भगवान के दिव्य सुस्वादु नाम गुण रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है। अविद्या मतलब किसी को याद है? दो अविद्या के प्रभाव होते हैं। अविद्या मतलब अज्ञान, तो उसके दो प्रभाव होते हैं। क्या अविद्या, क्या अज्ञान, किसी को याद है? माइक पे बोलिए। यस, सबसे पहला वो अपने आप को शरीर माइक को ऐसे रखिए ताकि आपके, हाँ, अब आवाज अच्छी आएगी। वो अपने आप को शरीर मानता है? नहीं, मतलब जो वो नहीं होता है वो उसको स्वीकार करता है? नहीं, पहला है वो भूल जाता है कि वो है कौन। पहली अविद्या का लक्षण ये है, जैसे हम लोग भगवान के दास हैं तो हम ये भूल गए हैं। दूसरे में जो नहीं है उसमें अपना अभिनिवेश करता है। तो आपको ऐसे समझाना पड़ेगा, फिर से रिपीट कीजिए, बताइए। पहला आपने ये बोला कि जो वो नहीं है, जो वो है, जो वो है उसको भूल जाता है। हाँ। और जो वो नहीं है उसमें उसका अभिनिवेश हो जाता है। अभिनिवेश मतलब एब्जॉर्प्शन। जैसे कोई व्यक्ति पागल होता है तो पहली चीज क्या करता है, वो भूल जाता है कि वो है क्या। और दूसरा चीज क्या होती है, जो नहीं है वो मानने लगता है। जैसे वो सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। समझ में आ गया? इस माइक में इस तरफ से कोई भक्त फिर से बोले अविद्या का अर्थ क्या है। दशरथी प्रभु, यस, ये चीज, ये शब्द समझ में आने चाहिए। अविद्या का मतलब क्या है? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो अविद्या से ग्रसित है? जो MBBS नहीं किया है वो अविद्या से ग्रसित है? नहीं। देखो अभी अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ ही नहीं पा रहे। मैं बोल रहा हूँ जो MBBS किया है क्या वो अविद्या से ग्रसित है? क्या उत्तर होगा? है। ये विद्या अविद्या, लोग आप सोचेंगे विद्या अविद्या मतलब जो पढ़ा लिखा है जो नहीं पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। अविद्या का मतलब क्या है बताइए? अविद्या का अर्थ है कि जो व्यक्ति है उसे भूल जाता है अपने वास्तविक स्वरूप को, और जो नहीं है उसे मानने लगता है। यस, और हम लोग क्या हैं? हम जीवेरा स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, हम भगवान के दास, तो भूल जाते हैं। और दूसरा क्या मानने लगते हैं? हम माया के दास मानने लगते हैं, माया की सेवा करने लगते हैं। ये भी पता नहीं कि हम माया के दास हैं। हाँ, ये तो ज्यादा माया की सेवा भी करते हैं, मालूम ही चलता नहीं कि सेवा किसकी कर रहे हैं। एक बात, अब प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में लिखते हैं कि जब व्यक्ति इस चेतना से पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है कि वो शरीर नहीं है और वो स्थित हो जाता है आत्मा के ज्ञान में, तब वो साक्षात्कार कर सकता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। मैं रिपीट करूं, जब आपको पूरा ये रियलाइजेशन हो जाए कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, तब अनुभूति होगी कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। उसके पहले भी भगवान का नाम भगवान से अभिन्न था, आप समझ नहीं पा रहे थे। जैसे मिश्री, पहले मिश्री खा रहे थे तब क्या खा रहे थे? मिश्री खा रहे थे। अब जब ठीक हो गए तो समझ में आ गया, अच्छा मिश्री खा रहा हूँ तो बड़ी मीठी है। तो समझ में आ गया आपके बाद? इट्स कॉल्ड हरा आम और पका आम, ग्रीन मैंगो एंड राइपेंड मैंगो। तो एक और इसमें गहरी बात ये है कि अब आप ये देख सकते हैं कि हरि नाम को सुनना या जप करना ये सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस है। इन चीज़ों को आपस में रिलेट कीजिए। अविद्या से क्या होता है, हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। दूसरा, अविद्या की वजह से भगवान का नाम रूप गुण लीला मधुर नहीं लगता। तो नाम रूप गुण लीला को जबरदस्ती लेने से अविद्या का नाश हो जाता है। जब अविद्या का नाश हो जाएगा तो आपका स्वरूप प्रकट हो जाएगा कि नहीं? तो अब वीरभद्र प्रभु समझाएंगे कि मैंने किस प्रकार से हम समझें कि हरि नाम जो है ये आत्म साक्षात्कार का तरीका है। यस, जब अविद्या, हाँ, ऑन है, यस, ऑन है। अविद्या जब नष्ट हो जाता है तब हम, तब हमें समझ में आता है कि हरि नाम भगवान से अभिन्न है। और मतलब जब हम ये सोचते हैं कि हमें शरीर नहीं है, हाँ, आत्मा है, प्रभुपद जी ऐसा समझाते हैं। ये तो है, लेकिन अभी मैंने जो बोला उसको आपने फिर से सुनिए। अविद्या की वजह से हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। क्लियर? इतना मुश्किल है समझना? ठीक है, उसी अविद्या की वजह से हमको भगवान के नाम रूप गुण लीला मीठे नहीं लगते। यस, अब नाम रूप गुण लीला का सेवन करें, जैसे हम दवाई का सेवन करते हैं तो अविद्या नाश हो जाएगी। जब अविद्या का नाश हो जाएगा तो नाम रूप गुण लीला मीठा लगेगा। और साथ साथ जो अविद्या का दूसरा प्रभाव है,
आपको भुलाने का कि मैं मतलब कौन हूँ वो भी समाप्त हो जाएगा, यानी आपको अपने स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इस चीज़ को आप प्रथम स्कंद के पांचवें अध्याय में देख लीजिएगा। नारद मुनि कहते हैं, जैसे ही मुझे हरि कथा हरि नाम का स्वाद मिला, तुरंत मैं समझ गया कि मैं केवल अज्ञान के कारण अविद्या के कारण अपने आप पहचान इस शरीर से कर रहा था। तो ये जो हरे कृष्ण मंत्र है ये आत्म साक्षात्कार का तरीका है, और किस तरह से है ये हमने आज समझा। भगवान के दिव्य सुस्वादु नाम गुण रूप, इसको एक और बताना चाह रहा था। परम पूज्य सचिनंदन महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि मैं सोचता था, मतलब वो सोचते थे कि जब मुझे 2 घंटा नाम जप करना है तो क्यों ना मैं उसको ध्यानपूर्वक अच्छे से करूं। और कई साल करते रहने के कारण एक तो उनको नाम में रुचि प्राप्त हुई है, और दूसरा भगवान से एक संबंध का अनुभव होता है। जैसे हम लोग अपने माता पिता के प्रति अनुभव करते हैं कि ये मेरी माँ हैं, ये मेरे पिता हैं। इस इज कॉल्ड अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि मैं कृष्ण का दास हूँ। केवल थ्योरी नहीं, वाकई हृदय में अनुभूति करना कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मैं उनका दास हूँ। इसका कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन अभी अभी अभिव्यक्ति उनके हृदय में होने लगी है, खुद महाराज बोल रहे थे। तो इससे क्या होगा, याद आ रहा है वही बात, यानी अविद्या का नाश हुआ है और स्वरूप सिद्धि की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो जिस पथ पे महाराज जी चले हैं, जिस पथ पे प्रभुपाद जी चले हैं, उस पथ पे हमको भी चलना है, मेक सेंस। और हमको भी वही सिद्धि प्राप्त होगी जो पूर्ववर्ती आचार्य को मिली है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला, बोलिए और सुनिए, क्योंकि अविद्या हृदय में बसी हुई है, हृदय में हरि नाम जाता है और फिर अविद्या का नाश करता है। ये बात पता है आपको, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेणा स्वानाम भाव सरोरुहम दुनोति शमलम कृष्णा सलीलस्त यथा शरत। भगवान अपने नाम, ये बात है नाम रूप गुण लीला को जब हम सुनते हैं तो उसके द्वारा भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। श्रीमान वृंदावन चंद्र प्रभु बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि भगवान को हमारे हृदय तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन कान का रास्ता उनको बहुत अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? तो जो भगवान के बारे में सुनता है तो भगवान कान ध्वनि के माध्यम से कान के द्वारा प्रवेश करके हृदय में जाते हैं, और जो हमारा सुप्त भाव है उसको वो जागृत कर देते हैं। श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरी बेहुदय, ये सिद्धांत। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बोला आप सुनिए, सुनने का प्रयास कीजिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं और मन इधर उधर हो रहा है तो ये अपराध नहीं है। आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं और ये इधर मन नेचुरली भागेगा तो ये अपराध नहीं है। क्या प्रमाण है? भगवान कृष्ण उसको बोलते हैं भगवद्गीता में, यतो यतो निश्चलति मनः संचलम अस्थिरम ततो ततो नियम यतद आत्मन्नेव, श्लोक भूल रहा हूँ, मतलब जहाँ जहाँ आपका मन भागे वहाँ से वापस उसको लेके आए। अब ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवद्गीता 6वां अध्याय कि मन जो है भोग में भी जा सकता है, स्त्री का विचार, पैसे का विचार, भय के विचार, बहुत सारे विचार आ सकते हैं। उससे निरासक्त होकर के मन जहाँ जा रहा है वहाँ से खींच करके उसको भगवान की नाम की ध्वनि पे केंद्रित करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इसलिए क्यों डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि किस प्रकार से स्वाद जागृत होगा ये जानना चाहिए। नहीं तो हम सोच सकते हैं खाली करते रहने से स्वाद आ जाएगा, बहुत टाइम लगेगा अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो। अंततोगत्वा आपको ध्यानपूर्वक करना ही पड़ेगा, ये बात। हाँ, माइक पे पूछ सकते हैं, प्रश्न है कोई? यस, आत्मन्य वशम वशम नयत नयत लेके आओ। यस, हाँ जी, जैसे आप बोले कि अगर हम सुन रहे हैं तो आप माइक के ऊपर हाथ मत रखिए नहीं तो आवाज कम आएगी। हाँ जी, जैसे हम सुन रहे हैं तो मन इधर उधर जा रहा है तो अपराध नहीं होता, तो अगर जब कर रहे हैं उस समय मन इधर उधर जा रहा है तो क्या अपराध होगा यार? नहीं देखिए, जब इस तरह से जब करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, मतलब सुनने का कोई प्रयास नहीं तो ये बोला जाएगा ये प्रमाद है। लेकिन जब भक्त जब कर रहा है और सुनने का प्रयास करता है तो उसे नामाभास कहते हैं, क्लियरिंग स्टेज। तो ये भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कर रहा है। प्रभुपाद जी के एक वार्तालाप में है कि अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ सुनने का तो क्या अपराध है? तो कहते नहीं, ये अपराध नहीं। बहुत क्लियरली मैंने लेक्चर में सुना, अब मैं ढूंढ के दिखा सकता हूँ आपको इस चीज़ को। और भगवान भी इस बात को गीता में बोल रहे हैं, सेम चीज़ श्लोक, इधर उधर भागेगा फिर अपने मन को उसमें लगाइए। ठीक है, भगवान के दिव्य सुस्वादु नाम गुण रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है।
मतलब ये अविद्या हमारी आस्वादन करने की शक्ति को समाप्त कर देती है। इस रोग के होते हुए भी यदि कोई अत्यंत सावधानी एवं ध्यान के साथ कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए तथा उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते हुए कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करता है तो उसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये कभी आपने सोचा है कि ये सारा प्रोसेस केवल एक बार करना है? ये मेरी बात आप समझ रहे हैं? प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जिसने ये दिव्य तपस्या करके अपने हृदय को शुद्ध कर लिया वो जीवन का सच्चा आनंद ले सकता है। जहाँ बैठेगा वो हरे कृष्ण दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकता है। तो इसलिए सारा जो प्रोसेस है सफाई का कान हृदय का केवल एक बार करना है। भाई आप कोई अगर मेडिकल ट्रीटमेंट भी ले रहे हो जैसे हमारे यहाँ पे होटल का ट्रीटमेंट लेते हैं लोग, तो छः महीने बड़ी तकलीफ होती है भाई, कई बार टॉयलेट जाना पड़ता है, काला मतलब स्टूल आता है बाहर, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन सभी भक्तों के मन में विश्वास होता है, अरे भाई जीवन में एक बार करना है, उसके बाद मैं जीवन भर कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। ये भी एक इल्यूजन है लेकिन ये तो इल्यूजन नहीं है ना कि एक बार आपको नाम रुचि प्राप्त हो गई तो बस हो गई। जैसे लोगों को जप में नींद क्यों आती है? हृदय में तमोगुण है, खूब सो लेते हैं फिर भी आती। तो अब एक बार अब स्टेज का क्रॉस कर गए भाई, आप बैठ के जप कर पा रहे हैं, आपका मन लग रहा है, तो पीछे नहीं जाते हैं उसमें, ऑब्वियसली अगर कोई अपराध नहीं करें। लेकिन ये भी ध्यान देना चाहिए कि जब इस प्रकार से भक्त लोग भक्त में अग्रसर होते हैं तो हृदय में नम्रता भी आ जाती है। अमेजिंग बात है, हृदय में विश्वास होने लगता है, अरे देखो भाई एक नाम करने से इतना लाभ है, जो कोई भी नाम कर रहा है वो सम्माननीय है, उस सोसो के भी कर रहा हो कोई बात नहीं सम्माननीय है, नेगेटिव भावना नहीं आती। आप रियली भक्ति में प्रगति करोगे तो भक्ति में विश्वास बढ़ जाता है। तो जो लोग थोड़ी निम्न स्तर के भी हैं भक्ति में, उनके प्रति भी सम्मान की भावना होती है, देखो ये लोग भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं। आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बात पॉइंट। तो ये एक ही बार करना है और उसकी जीव भगवान की दिव्य प्रकृति तथा उनके साजो समान का मधुर आस्वाद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएगी। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो पाता है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ को। वेदांत सूत्र में व्यासदेव कहते हैं असकृत अभ्यासात्। असकृत मतलब, सकृत मतलब होता है एक, असकृत मतलब एक से अधिक। कितनी बार हुआ वो? एक से अधिक का मतलब क्या होता है वीरभद्र प्रभु? मोर देन वंस। कितना हुआ मतलब, कितनी संख्या हुई, कितनी? कोई लिमिट नहीं है, मतलब कितना अभ्यास करना है। अच्छा समझ गए ना, तब तक करना है जब तक आपको नाम में रस ना मिलने लग जाए। उसके बाद आपको अभ्यास नहीं कर रहे, उसका तो आनंद ले रहे, राग हो गया। अब एक और बात है, अभ्यासश्च प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्। वेदों का ज्ञान जब हम अभ्यास करते हैं, हमारी नाम का अभ्यास कर रहे हैं, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो स्वयं इनके अंदर शक्ति होती है कि हमारे हृदय में ज्ञान को प्रकाशित करें। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलूं, प्रकाशश्च कर्मणि अभ्यासात्। भक्ति के कर्मों में प्रवृत्त होने मात्र से तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। याद आ रहा है कहां का श्लोक है? उपदेशामृत का। तो उसमें प्रवर्तन मतलब उसमें लगे रहने से व्यक्ति के हृदय में अपने आप ही अज्ञान अविद्या नष्ट हो जाती है। ये भी वेदांत सूत्र का ही श्लोक है। तो उसके आधार पर बार बार भागवतम को पढ़ना, बार बार हरिनाम करना, बार बार श्रवण करना, कीर्तन करना, अपने आप हृदय की अविद्या नष्ट हो जाएगी, भक्त समझ पाएगा। और आप लोग सब लोग अनुभव कर रहे होंगे कि जो लोग भजन करते हैं, जो बातें पहले समझ में नहीं आती थी वो बड़ी आसानी से अब समझ में आ जाती है। लेकिन जप और जो भक्ति की जो क्या कह सकते एक निष्ठता है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ कृष्ण भावनामृत के नियमित अनुशीलन द्वारा ही संभव हो जाएगा। हाँ, नियमित बात और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका मन नहीं करता है। लेकिन नियम से करने का अर्थ यही है कि मन ना करे तो भी करना है, और फिर जब तक करना है जब तक कि राग नहीं हो। शिला जीव को समय बोलते हैं कि जनरली राग होता नहीं है, इसलिए नियमित नियम से पालन करो। बड़ा अच्छा लगा मुझे। राग तो बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन नियम से करने मात्र से व्यक्ति को बहुत लाभ होता है।
ठीक है। चर्चा का विषय निराकार ब्रह्म, तो ये आज जितने भी ब्रह्मवादियां एकत्रित हुए हैं, फाइनली हमारा टॉपिक आ ही गया, हम ब्रह्म के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। तो हमारे संतोष कृष्ण प्रभु पढ़िएगा, थोड़ा जोर से पढ़िएगा ताकि आवाज हम सुन सकें ठीक से। यस, परम सत्य का बोध तीन अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा परम पुरुषोत्तम भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। ओके, मैं बोलूँगा इसको। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। ओके, पढ़िए। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है, ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। परम सत्य के तीन स्तर कौन से हैं, शब्द याद हो रहे हैं? हरिचरण प्रभु, नहीं याद हुआ? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। क्या ये तीनों एक ही हैं भी और नहीं भी हैं, ठीक है? तो किस प्रकार से एक हैं और नहीं हैं, उसकी चर्चा हम लोग अब पढ़ेंगे। यस, इन तीन देव पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी तीन भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नैसिखिया है, जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नैसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान हो जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य से सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य को साक्षात रूप में की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी है। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं की अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। ओके, चर्चा करें सूर्य का उदाहरण देकर अध्यात्मवादियों के तीन स्तर बताएं। देखिए बहुत स्पष्ट है लेकिन मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। सूर्य को आप देखते हैं, सूर्य का गोला दिखाई पड़ता है, सूर्य की रोशनी दिखाई पड़ती है जिसमें सारे ग्रह स्थित होते हैं, और हम ये शास्त्रों से सुनते हैं कि सूर्य देव का नाम है विवस्वान, यानी वो एक व्यक्ति हैं। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो गोलोक में रहते हैं उनके दिव्य शरीर से जो दिव्य आभा निकलती है उसे कहते हैं ब्रह्म, और वो उसी ब्रह्म में सारा आध्यात्मिक आकाश से प्रकाशमान रहता है, और जितने भी वैकुंठ इत्यादि ग्रह हैं वो उसी ब्रह्म में, ब्रह्म ज्योति में स्थित रहते हैं। एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा, अरे ये ज्योति शब्द तो कहीं है ही नहीं, लेकिन हम ब्रह्म संहिता में सुनते हैं यस्य प्रभा, प्रभा मतलब क्या होता है? इफल्जेंस। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटि शवशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ये अनंत प्रकाश जो है इसमें सारे वैकुंठ ग्रह और भौतिक जगत भी स्थित है। ये तो क्लियर हो गया है सूर्य के प्रकाश से।
और सूर्य का गोला का उदाहरण दिया जा रहा है परमात्मा से। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार पूर्ण साक्षात्कार नहीं है। परमात्मा अपने भक्तों के संग सुंदर सुंदर लीलाएं प्रेम का आदान प्रदान नहीं करते हैं। भले ही वो विष्णु स्वरूप हैं, वो केवल उपदृष्टा और अनुमंता के रूप में कार्य करते हैं। जैसे गवर्नमेंट एक मेला होने की वजह से, जैसे कुंभ मेला होता है, तो कुंभ मेला में एक व्यक्ति को एक मैनेजर के श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मैनेजर के रूप में नियुक्त कर देती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस उदाहरण को देते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप शाश्वत नहीं है। ये जो मेला है भौतिक जगत का, इसको मैनेज करने के लिए भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं परमात्मा के रूप में, लेकिन अपने शाश्वत धाम में अपने शाश्वत भक्तों के संग शाश्वत भक्ति का आनंद लेते हैं, वो हैं भगवान। तो जो सूर्य का गोला है वो परमात्मा का से कंपेयर करते हैं, स्तर है, सोपान है, लेवल है, और विवस्वान सूर्यदेव से दोस्ती करके सूर्य ग्रह में जाने की शक्ति इसके पास है, वो व्यक्ति है भक्त। अब आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति सूर्य की किरणों में का विश्लेषण कर रहा है तो क्या वो सूर्य के गोले तक पहुंच गया? नहीं। जब वो सूर्य के गोले तक पहुंच गया तो क्या वो सूर्य की किरण और सूर्य के गोले दोनों के बारे में जानता है कि नहीं? जब वो अंदर पहुंच गया, सूर्य में प्रवेश कर गया, तो सूर्य की किरण, सूर्य के गोले और सूर्य देव तीनों के बारे में जानता है कि नहीं? समझ में आ गया? उसी प्रकार से भक्त जब भगवत साक्षात्कार करते हैं तो उनको ब्रह्म परमात्मा सारा साक्षात्कार हो जाता है। स्पष्ट है, क्लियर है? इसका उदाहरण एक और दिया जाता है, ट्रेन वाला। जब ट्रेन कहीं दूर से आती है रात में स्पेसिफिकली, तो आपको केवल रोशनी दिखाई पड़ती है। फिर जब और पास आती है तो डिब्बे दिखाई पड़ते हैं, और फिर जब आप और पास में देखते हो तो देखते हो कि उसमें लोग बाग भी हैं और आप अंदर जाकर प्रवेश भी कर सकते हो। एक और उदाहरण दिया जाता है पहाड़ का। पहाड़ को आप दूर से देखते हैं तो केवल एक काला सा चीज़ दिखाई पड़ेगी। फिर जब आप पास में जाएंगे, नेपाल से आप आए हैं, समझ पा रहे हैं, याद आ रहा है, हिमालय दूर से कैसे दिखाई पड़ते थे? काले काले दिखाई पड़ते हैं पहाड़, बहुत ज़्यादा दूर तो डिटेल नहीं दिखाई पड़ता। आप पास जा और थोड़ा पास जाएंगे तो पेड़ वेड़ दिखने लग जाएंगे, और पास जाएंगे तो वहाँ पे आपको भालू और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं वो भी दिखाई पड़ जाएंगे। ठीक है, तीनों उदाहरण समझ में आ गए, पहाड़ का उदाहरण, ट्रेन का उदाहरण और सूर्य का उदाहरण। तो देख किसको रहे हैं? अगर आप कहें पहाड़ को देख रहा हूँ तो आप किस गहराई से देख रहे हो, ये बात होती है। किसको देख रहे हो? ट्रेन को देख रहा हूँ। कितनी गहराई तक जा पाए हो उसके अनुसार आपका साक्षात्कार है। सूर्य को देख रहा हूँ, यस, लेकिन कितनी गहराई में देख रहे हैं? ऐसे ही ब्रह्म को देख रहा हूँ, तो ब्रह्म मतलब ब्रह्म मतलब परमात्मा, ब्रह्म मतलब कृष्ण, लेकिन वो कृष्ण परब्रह्म सर्वश्रेष्ठ लेवल है ब्रह्म साक्षात्कार का। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ट्रेन वाला एग्जाम्पल यह है कि जब शुरुआत तो उसको ब्रह्म ज्योति से कंपेयर कर रहे हैं। ट्रेन नहीं दिखाई पड़ती, केवल लाइट दिखाई पड़ती। अरे ट्रेन तो छोड़ दीजिए, ट्रैक्टर को देखिए, रात में जब आते हैं तो उसकी दो बत्ती दिखती हैं, ऐसा लगता है मोटरसाइकिल आ रही है। जब पास में जाते हैं तो धुआं से वो बड़ा ट्रैक्टर दिखाई पड़ता है, बहुत डर लगता है। ठीक है, ओके, अनुप्रभु, हाँ, ब्रह्म क्या? माइक पे पूछिए क्या कहना चाहते हैं। यस, माइक पे बोलिए। हाँ, ज्ञानी योगी और भक्त। यस, ज्ञानी जो हैं वो ब्रह्मवादी हैं, वो उनको ब्रह्म साक्षात्कार होता है, और जो योगी हैं उन्हें परमात्मा और भगवान का साक्षात्कार भक्तों को होता है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो वीरभद्र प्रभु, कंटिन्यू। परम पूर्ण। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, ये तीनों चीजें सत्य हैं लेकिन परम सत्य भगवान है। समझ में आ रहा है? सत्य का अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? माइक पे बोलिए। यस, सत्य वो है जो परिवर्तित नहीं होता देशकाल परिस्थिति के हिसाब से। थोड़ा स्पष्ट बताइए, गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? इंग्लिश में बोल सकते हैं, डजंट चेंज विद टाइम प्लेस। नहीं, अभी भी समझाया नहीं आपने। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। क्या आपका शरीर या मेरा शरीर सत्य है? तो आप नहीं है यहाँ पे। सत्य नहीं है मतलब टेम्प्रेरी है, चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या आप सत्य हो? नहीं,
आप सत्य नहीं, आप कौन हैं? आत्मा। तो आत्मा सत्य है कि नहीं है? परिवर्तित नहीं होता। क्या आत्मा परम सत्य है? क्यों नहीं है? माइक पास में जिसके पास जानना चाह जानते हो तो बताइए। शरीर से दूसरे शरीर में गलत। परम सत्य क्यों नहीं है? भगवान के अंश है। गलत। क्योंकि उससे सब कुछ नहीं निकला, परम सत्य से सब कुछ निकलता है। यस, परम मतलब जो सबका स्रोत है, सबका आधार है, सर्वश्रेष्ठ है। बाकी सारे सत्य उस परम सत्य पे आधारित हैं। इस कारण से व्यासदेव अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। गलत हो गया मेरे मुंह से, केवल वही ध्यान नहीं कर रहे हैं, धीम ही बोल के कह रहे हैं कि सब भक्त सबको ध्यान करना चाहिए, हम सब लोग ध्यान करें। ठीक है, ओके, परम सत्य के बारे में बता दिया। यस, पढ़िए। परम पूर्ण या सर्वव्यापी सर्वपरि परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। निर्विशेष ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम पूर्ण की अधूरी अनुभूति। अधूरी अनुभूति कैसे है आपको मैं समझा दूं? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। परमात्मा उपदृष्टा अनुमंता भौतिक कार्यों को देख रहे हैं और उनका उनका सैंक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो अपने भक्तों से प्रेममयी लीला नहीं करते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं। यस, आगे पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह है और निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति उनके सत पहलू या उनके शाश्वत होने की अनुभूति है तथा, यानी कि वहाँ पे ज्ञान और आनंद का कोई अनुभव नहीं है, केवल शाश्वतता का अनुभव है। ब्रह्म जो ज्योति है उसमें केवल सत फीचर यानी कि शाश्वतता का फीचर है, मृत्यु से मुक्ति, लेकिन बाकी दो चीजें नहीं हो रही हैं। कौन सी? चिद और आनंद। यस, अनुभूति है तथा परमात्मा की अनुभूति उनके सत तथा चित पहलुओं की अनुभूति है। सद मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय। यस, जो उनकी शाश्वतता तथा ज्ञान को सूचित करते हैं, किंतु भगवान की अनुभूति उनके सारे दिव्य स्वरूपों सत चित तथा आनंद की अनुभूति है। एक इसमें रहस्यमय बात है कि भगवान की अनुभूति भक्त को होती है, तो ये आनंद क्यों होता है ये समझ लेना चाहिए। भगवान के संबंध में आनंद भक्त को तभी होता है जब उसके हृदय में प्रेम भक्ति होती है। जैसे हम भोजन को केवल जीभ से ही आस्वादन कर सकते हैं, तो क्योंकि इन दोनों के पास भक्ति नहीं है, तो भगवान के आनंद स्वरूप पक्ष का पहलू का वो आस्वादन नहीं कर सकते। मैं रिपीट करूँ या समझ में आ गया? मैं फिर से समझाता हूँ। भगवान के आनंद का, जो उनका स्वरूप का आनंद है, लीला का आनंद है, सबका आनंद तभी होगा जब हृदय में प्रेम होगा। तो प्रेम तो भक्ति करने से ही होएगा। आपको योगी योगी होए या कोई ब्रह्म है, उसको तो भगवान से कोई प्रेम नहीं है। तो इस कारण से भगवान के आनंद की अनुभूति वो नहीं कर पाते। इसीलिए आत्म रामश्चमुनयो निर्ग्रंथ अप्यरुक्रमय कुर्वंत अहेतुकिम भक्ति मिथम भूत गुरु हरि। जो पूरी तरह से संतुष्ट हैं वो भी भगवान के गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। आपको याद हो तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। परा भक्ति करती यही है कि फिर भी उसको कुछ चाहत है। किसकी चीज़ की चाहत है? कृष्ण के नाम रूप गुण का आस्वादन करने की। और आपको याद है हमारा आज का डिस्कशन वहीं से शुरू हुआ था। अविद्या का पूरा नाश कहाँ होता है? जब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है। इन दो फीचर्स में पूरी तरह से मुक्त नहीं होता, अनस्टेबल सिचुएशंस हैं। जैसे लिनक्स होता है ना, उसके अनस्टेबल वर्जन्स आते हैं, वो क्रैश कर जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म ज्योति से भी क्रैश करके नीचे गिर सकता है, परमात्मा से भी क्रैश कर सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति हो जाती है, फिर कोई व्यक्ति पतन नहीं हो सकता उसका। ठीक है, हाँ, माइक पे पूछिए। यस, अगर कोई आत्मा में स्थित है तो वो आनंद की अनुभूति भी कर सकता है ना? ना, क्यों? आनंद का आत्मा दुख की निवृत्ति महसूस कर सकता है। जैसे अगर खुजली हो रही है तो खुजली रुक जाए तो भी एक सुख है, कह सकते हो आप, याद कीजिएगा। खुजली रुक जाना
ये आनंद है नहीं, केवल दुख का शमन है। जैसे काम वासना यही एक दुख है, भगवान कृष्ण बोलते हैं 11वें स्कंद में बोलते हैं जीवन जगत में केवल एक ही दुख है, काम वासना। तो काम वासना का शमन हो जाए इसका अर्थ नहीं कि प्रेम मिल गया, क्योंकि नारद मुनि ही बोलते हैं कि काम वासना इत्यादि भी योग आदि नियम से पालन करने से समाप्त हो जाती है, लेकिन ऐसा चित्त की वृत्ति उतना सुख नहीं मिलता है जितना कि चित्त वृत्ति भगवान में लगाने से होता है। आप प्रथम स्कंद को देखिएगा, याद आ रहा है ना? तो यानी कि काम वासना शांत हो गई इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति सुख की अनुभूति कर रहा है। इसीलिए तो शास्त्र बोल रहे हैं आत्म रामश्च मुनयो, क्या है, निवृत्ति निरतः सर्व निर, पूरी तरह से सुखदेव गोस्वामी को किसी भी वस्तु में आकर्षण नहीं था, फिर भी हरेर गुण आक्षिप्त मति, भगवान हरि के गुण उनको उनको उनकी मति को खींच लिए थे। तो यानी कहीं ना कहीं तो वो कुछ कमी महसूस कर रहे थे ना, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से नहीं। इसीलिए तो भगवान के गुणों ने उनको आकर्षण कर लिया, खींच लिया। तो जब ऐसा व्यक्ति जिसको किसी भी वस्तु से कोई अपेक्षा नहीं थी, उस वो भागवत सुन रहा है, वो भारी कथा कर रहा है, तो जिनको हर तरह से अपेक्षा है, हम जैसे लोग जिन्हें बहुत सारी आकांक्षा है, उन्हें कितना आवश्यकता है सुनने की, ये विचार करना चाहिए। यस, जैसे कोई मान लीजिए एक ऐसा आइटम बना प्रसाद में जो व्यक्ति पूरा भर चुका है, प्लेट लेके उठ गया, वो भी उसे गप गप खाने लगे, तो जो एकदम अभी नया आया बिल्कुल भूखा है, उसे वो आइटम कितना खाना चाहिए? क्या मुझे नया समझ में आ रहा है कि नहीं? आप समझ में आया कि नहीं है? भाई आप पूरा भर लिया, बहुत निवृत्त, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और फिर वो आइटम आ गया, बड़ा सा रसीला कोई आम आ गया, कुछ आ गया, तो आप कहेंगे भाई अरे ये तो हम खा के जाएंगे, ये तो हम खाएंगे, और धम 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 खाने लग जाए। तो अब समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो पूरी तरह से एकदम असंतुष्ट हो गया है भौतिक रूप से, निवृत्ति निरत हो गया है, वो भी भगवान के प्रति आकृष्ट हो रहा है, लीला कथा के प्रति। तो जो लोग भूखे हैं, उनके पास कोई आनंद नहीं, उन्हें कितना सुनना चाहिए? यस, यू हैव अ क्वेश्चन? प्रभु जी, एक व्यक्ति रोगी है। ओके। वो रोगी कुछ दवाई लेता है, ठीक है, लेकिन वो दवाई लेने के बाद वो काली रिलीफ होता है, लेकिन उसका आनंद कुछ नहीं मिलता। यस, दैट्स अ होल पॉइंट। काम मिट जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि प्रेम आपको प्राप्त हो जाएगा। आप देखिए, बहुत बार सब साधकों का अनुभव है कि काम वासना बिल्कुल सताती नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप नाच रहे हैं आनंद में। तो ये नेगेटिव से जीरो पे आ गए, लेकिन प्लस वन नहीं हुआ है। तो ये सब लोग प्लस वन करने के लिए भगवान के चरणों में वन, वही कृष्ण का आश्रय लेते, ठीक है? यस। जब किसी को परम पुरुष की अनुभूति हो जाती है, तो वह परम सत्य के इन पहलुओं का भी पूर्ण रूप में अनुभव करता है। ये मैंने आपको समझा दिया था कि जो सूर्य में प्रवेश कर गया, उसको सूर्य का गोला और सूर्य की रोशनी सबके बारे में मालूम चल जाता है। जो ट्रेन में बैठ गया, उसे ट्रेन की रोशनी और ट्रेन की लोग और ट्रेन के बारे में मालूम चल जाता है। जो पहाड़ में पहुंच गया, उसे पहाड़ भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहे हैं और पशु भी दिख रहे हैं। यस। विग्रह का अर्थ है स्वरूप, अतः परम सत्य रूप विहीन निराकार नहीं है। हाँ, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सचिदानंद विग्रह। यस। यदि वे रूप विहीन होते या यदि वे अपनी सृष्टि की अपेक्षा किसी भी तरह कम होते, तो वे पूर्ण नहीं हो सकते। ये लाइन समझिए, भगवान सभी के स्रोत हैं। तो अगर मान लीजिए, सिंपल सी बात है, इस रूम में जो वस्तुएं हैं, अगर आप वो बाहर निकाल के रखो, तो क्या वो वस्तु इस रूम से निकाल सकते हैं जो इसमें नहीं है? समझ में आया? इस रूम से आप रूम खाली करना चालू कीजिए, तो क्या इस रूम से वो वस्तु बाहर निकाल सकते हैं जो इसमें नहीं है? समझ में आ गया? ये लैपटॉप बाहर निकाल के ला जाए, कहता ये लैपटॉप तो इस रूम में नहीं था, तो आए कैसे बाहर? अर्थात हम समझते हैं परम सत्य मतलब जो सभी का स्रोत है,
तो जब जब सबका स्रोत है और इस जगत में रूप दिखाई पड़ रहा है तो परम सत्य के पास भी तो रूप होना चाहिए ना। ठीक है, एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरा विचार कीजिएगा। परम सत्य के पास सारे गुण होने चाहिए, ठीक है, प्राइमरी गुण भी होने चाहिए, सेकेंडरी गुण भी होने चाहिए। अब आप विचार कीजिए, अंधेरा प्राइमरी है कि रोशनी प्राइमरी है? प्राइमरी मतलब मूल, अंधेरा मतलब होता है रोशनी का अभाव। रोशनी के इंडिपेंडेंट अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो उसी प्रकार से अंधकार क्या है, यह है सेकेंडरी गुण और रोशनी है ये प्राइमरी गुण। क्लियर है? अब उसी प्रकार से निराकारता मतलब क्या हो गया, आकार का भाव। तो आकार है प्राइमरी और निराकार है, निराकार का है सेकेंडरी। तो परम सत्य में प्राइमरी गुण होना ही चाहिए, वो आकार होगा ही। इसी फिलोसफिकल दृष्टि से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। हमारे सर ने समझाया था लीला पुरुषोत्तम प्रभु ने, बहुत अच्छा मुझे लगा था, बहुत अच्छा लगा था। चलिए, परम सत्य में आकार होना ही चाहिए, समझ में आया? थोड़ा अभी मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, आप थोड़ा सा अभी जल्दी जल्दी खा लीजिए, बाद में जुगाली कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या बोल रहे थे। ठीक, परम पूर्ण में हमारे अनुभव के भीतर और बाहर के प्रत्येक वस्तु होती है, होनी चाहिए अन्यथा वे पूर्ण नहीं हो सकते। समझ में आ गया आपको? क्योंकि हम सभी भगवान से आए हैं और जगत की हर वस्तु भगवान से आई है, तो जगत में वस्तुओं का रूप होता है तो भगवान का भी रूप होना चाहिए। चर्चा करें परम सत्य के सचदा सच्चिद और आनंद पहलुओं की व्याख्या करें। तो हमने चर्चा कर ली था, सत मतलब शाश्वत और वो है ब्रह्म, और चिद मतलब ज्ञानमय, तो सच्चिद है वो परमात्मा स्वरूप, और सच्चिदानंद विग्रह जो पहलू है वो है भगवान का। क्लियर आ रहा है? अभी कितना, मेरे ख्याल से अगला पैराग्राफ काफ़ी लंबा है तो हम इसको रोक देते हैं क्योंकि 5 मिनट बाकी है, तो हम यहाँ रुकेंगे और इसको चर्चा हम भगवान ने चाहा तो कल करने का प्रयास करेंगे।